उनोंगयलाम जोंका हरिजन पंचायत कमिटी उगुरजीत सिंह उलोंग बनाकलियांग की ब्रियु की बसा आथमियो मौलोंग हरिजन कॉलोनी केलाक्लोय बनकनरिया नो नाकनी का जका हनरे का सरकार कदे बन आये की का जका का बहे कुंबा शिफो आकार नागबंता की लाइसपा साफो आर्त ली की लोंगयेंग हाकचिंग यलांग बलालोंग मंता का सिंगी नाकलियांग का हरिजन पंचायत कमिटी कलाफा डग जिंगतरवा शका सरकार जिला बला डाका क्वा बंदन का जिंकन रिया नो नाकने का जका का सरकार का देबन आय का जका का बहे कुंबा शिफो आकार बर का सरकार का देबन बेरू ये का पिसा बकिंशना ही ये की येंग हकने का जका कबा का सरकार कन आये की उगुरजीत सिंह उलाकंताई बियांगरू बका जका हथम यो मौलोंग कमडे का जका जुंका हिमा मल्लेम नमर बायकने का जका ला आय सो भा ही दोस ए मल्लेम नदु उसनम खत फ्रास पा सनफौलाय नहीं मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जिस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट हमारा अगेंस्ट चल रहा है ना शुरू से ही जब से ये गवर्नमेंट आया हमारा अगेंस्ट चल रहा है ना तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से लड़के कुछ फ़ायदा नहीं है अगर जो हमारी मांगे हैं अगर उसको गवर्नमेंट मान लेती है तो हम लोग हट जाएंगे वहाँ से वो तो गवर्नमेंट अपना मर्जी से अभी देखिए हम लोगों को 2008 में CM ऑफ मिलियम ने लिख के दिया है कि ये जो ज़मीन है ये CM ऑफ उसका जो CM ऑफ मिलियम था 1853 में उसने हमारा कम्युनिटी को दिया था 2008 का जो कोर्ट में जब उसको बात होगा ना तो कोर्ट में तो 2008 में जो लिख के दिया है पहले जो लिख के दिया वही कोर्ट मानेगा ना अभी जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करवाया है वो किस तरह से करवाया है पैसा दे के 2 करोड़ रुपया दे के करवाया है अगर वो बोलता है गवर्नमेंट का लैंड है तो फिर 2 करोड़ रुपया देने का क्या जरूरत था तो ये बात मतलब म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ने जो इस तरह से किया है ना 4 साल जो बिता दिया डायरेक्ट हम लोग से बात करने से बात अलग था मतलब अभी तक शायद इसका हल भी हो जाता था लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने 4 साल बिता दिया अभी 1 साल बचा है गवर्नमेंट का 1 साल भी नहीं है तो अभी मतलब ये बात के लिए गवर्नमेंट आया हम लोग के पास तो हम लोग भी उसमें पॉजिटिव है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट हो हम लोग तो वहाँ पे परमानेंट है लेकिन ये लोग जिस तरह से गवर्नमेंट हमारा जो शोषण कर रहा है कि वहाँ पे जितना जो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है घर बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्शन के लिए NOC नहीं देता है पानी के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं देता है ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे ठीक नहीं करता है तो स्लम जो एक तरह से बनाया वहाँ पे वो तो गवर्नमेंट ने बनाया है हम लोगों ने थोड़ी बनाया स्लम अगर गवर्नमेंट इस तरह का परमिशन देता अगर हम लोगों को तो वो स्लम नहीं होता था अभी भी मैंने बोला है गवर्नमेंट को कि अगर आप लोग चाहते हैं कि स्लम के लिए हम लोग को वहाँ से हटाना चाहता है तो हम लोग स्लम अपना से उसको सबको ठीक करेंगे आप हमको परमिशन दीजिए वहाँ पे स्लम दिखाई नहीं देगा हम लोग चाहते हैं जो क्वार्टर्स देंगे फिर वो जब अगर मान लीजिए वहाँ से हम लोग एग्री नहीं होंगे रिलोकेट नहीं होगा तो फिर दोबारा फिर वो लोग जाके वहाँ पर रहेंगे तो ऐसा हल नहीं है हम लोग चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहता है कि रिलोकेट करना है तो ये कंडीशन है ये कंडीशन में रिलोकेट करना जितना फैमिलीज है सबको 200 स्क्वायर मीटर घर दे और एक ही जगह में दे जो लैंड देना 200 स्क्वायर मीटर लैंड और जहाँ पे एक जगह में दे और यूरोपियन वार्ड के अंदर में दे एम्प्लॉयज से कोई कंसर्न नहीं है ना क्योंकि वहाँ तो सेटलमेंट आज से नहीं है ना वो तो quarters of the Shillong municipal board is already available for some of the government employees to be shifted there so why not shift to that facility wo jo government quarter hai na wo to government employees ke liye hai wo to employees unka jana chahta hai jayega nahi jana chahega lekin hamara to jo colony ka concern hai kyun jo hum log itne saalon se wahan pe reh rahe hain matlab peedhi dar peedhi wahan pe reh rahe hain to wo jo hamara jo right hai uske liye hum log fight kar rahe hain na जो इम्प्लॉयज़ तो बहुत इम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट क्वार्टर्स देता है देने के बाद में फिर उनका घर वहाँ पे है वहाँ पे जब रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर वहाँ पे जाके सेट रहता है वो लोग सेटल होता है नहीं वो बोले हैं कि प्रपोजल देंगे अभी गवर्नमेंट बोला कि प्रपोजल देंगे मीटिंग कैबिनेट का मीटिंग में डिसाइड करेंगे जो हमारा कमेटी में जो डिसाइड हुआ ना जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसाइड हुआ उसका ऊपर में वो लोग जो मीटिंग करेंगे फिर जो उसका जो गवर्नमेंट का क्या व्यू है वो देंगे और प्रपोजल देंगे आप बता सकते हैं आप क्या क्या क्रिएशन होगा ना ज़मीन का वो ज़मीन का वैल्यू तो ज़्यादा है ना तो मतलब कानून में तो वैल्यूएशन होता है ज़मीन का तो जो वो वैल्यू का जितना वैल्यू का वो ज़मीन है उतना वैल्यू का ज़मीन हम लोग को देंगे वो
मतलब हमने डिमांड किया है कि यूरोपियन वार्ड में देने के लिए जमीन देंगे और उन लोगों ने कुछ सजेशन है। अभी गवर्नमेंट प्रपोजल देगा हम लोग को, अभी वो प्रपोजल क्या होगा इस बात पे तो गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों के पास वो हिमा मिलियम का लैंड नहीं है, क्योंकि हिमा मिलियम का लैंड था वो, लेकिन उसने तो दे दिया 1853 का पहले तो उसने दे दिया ना वो लैंड हमारे कम्युनिटी को। तभी हमारा कम्युनिटी इतने सालों से वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो तो मतलब उनका उनका मर्जी से, गवर्नमेंट का मर्जी से वहाँ पे सेटल हुआ ना। तो अभी गवर्नमेंट अगर हम लोग को चाहता है, हम लोग रिलोकेशन के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट हो 10 एकड़ के। नहीं, हम लोग क्यों पैसा देंगे, हम लोग तो जो हमारा पास लैंड है उसके एक्सचेंज में मांग रहे हैं। जैसा मतलब वो जो हमारा पास जो लैंड है वो 3.33 एकड़ 3 एकड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। वो ज़मीन को एक्सचेंज में हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो तकरीबन 9 एकड़ ज़मीन जो है, 9-10 एकड़ ज़मीन जो है वो हम लोगों को दे। But that land belongs. जो घर बनाने के लिए हमने बोला है कि घर बनाने के लिए जो मतलब कॉस्ट है वो दिया जाए हम लोग को। अपना से घर बनाएंगे? हाँ, अपना से घर बनाएंगे, क्योंकि ये जो पहले जो म्यूनसिपल ने क्वार्टर्स बना के दिए हैं जहाँ जहाँ पे भी, वो सब तो डैमेज हो गया, अभी 20 साल भी नहीं हुआ, सब घर टूट गया है। तो जो बिल्डर आते हैं वो मतलब घर बना देते हैं और वो लास्टिंग नहीं होता है। बोल रहे हैं ना वो नहीं, हमने कहा है कि हमारा जितना फैमिलीज है वो सब फैमिली को 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली वो जो लैंड देने के लिए विद इन यूरोपियन वार्ड। कहाँ पर ये जगह